प्रदेश के फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नगर विधायक ने मौके पर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट को चेक किया तो ऑक्सीजन प्लांट सही मिला। इस मौके पर सीएमएस हंसराज सिंह और डॉक्टर अभिषेक मौजूद थे। फिरोजाबाद में आज जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट को बंद होने की सूचना पर नगर विधायक ने जाकर जानकारी ली तो ऑक्सीजन प्लांट चालू कराकर देखा तो सही मिला। इस मौके पर सीएमएस हंसराज सिंह डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद रहे। तो तैयारी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के बाद पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। पहली लहर का अनुभव दूसरी लहर और दूसरी लहर का अनुभव तीसरी लहर। ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, यहाँ सबसे पहले लग गया है। डॉक्टर्स की और अनुभव आ गए हैं और दवाएं आ गई हैं और ज़्यादा सावधानी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम तीसरी लहर किसी दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ें, उससे बेहतर है कि हम लोग मास्क लगाएं, जैसे मैं भी लगा रहा हूं, अभी तो केवल बाइट के लिए उतारा है, हमेशा लगा के रखता हूं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये दो चीज़ों से हम समझे 80-90% लड़ाई जीत जाएंगे जी। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। आपने जो ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया तो इसका मतलब ये है कि अफवाहों क्या देना चाहते हैं, ये अफवाह फैलाई गई है क्या? ये तो आपके कैमरे पे, तो आगे की रिपोर्टिंग तो आप ही करोगे। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कि जो लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं और मुझ पे चढ़ बैठे। अफवाह फैलाई गई है, आपने ऑक्सीजन लीकर किया तो चालू मिला आपका प्लांट? तो हमेशा चालू था, कभी बंद था ही नहीं।